Wembley and the hockey final between Great Britain and India. 1928, वो साल जब भारतीय हॉकी स्टिक विदेशी सरजमी पर चमकी। यही वो साल था जब हॉकी ने भारत में शोहरत पाई और लगातार 28 सालों तक भारतीयों के दिलों पर राज किया। एक दो या तीन साल नहीं, लगातार 6 ओलंपिक्स तक इंडियन हॉकी स्टिक और गोल्ड मेडल एक दूसरे की पहचान बन चुके। अच्छा दौर रहा है 1928 से, 8 स्वर्ण पदक जीता हॉकी ने, तो हॉकी का एक दबदबा था जैसे कि आजकल क्रिकेट का बहुत दबदबा है। ये वो दिन थे जब भारत की गलियों में बैट बल्ला नहीं हॉकी खेली जाती थी। भरी दोपहरी में नंगे पांव बच्चे हॉकी स्टिक लेकर मैदान में गेंद के पीछे पीछे दौड़ा करते थे। रेडियो से क्रिकेट की कमेंट्री नहीं बल्कि हॉकी के मैचों की गूंज सुनाई देती थी। पंजाब से लाहौर तक लोग रेडियो से चिपक कर हॉकी के जादूगर के दांव पेच सुनते थे। The final brought together two neighboring countries, India and Pakistan, meeting for the first time in international competition. Any 40s, 50s, 60s, 70s में ऐसी हॉकी खेलते थे, सड़क पे है, गलियों में है, खेतों में है। तो जब आप ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानी इनकॉम्पिटेंट है, वी आर क्वाइट कॉम्पिटेंट इन एवरी गेम। हार का नाम सुनना तो दूर, भारतीय हॉकी टीम हार की सोच भी नहीं सकती थी। साल 1936 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जर्मनी में जब फील्ड पर हॉकी स्टिक के साथ उतरे तो हिटलर भी उनकी जादूगिरी देखकर हैरान रह गया। कहा जाता है कि हिटलर ने जब ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा तो वो उनकी हॉकी स्टिक के मुरीद बन गए और उसने दादा को ताउम्र जर्मनी में रहने का ऑफर भी दे डाला। पर देश के लिए खेलने वाले ध्यानचंद ने कभी देश छोड़कर जाने का मन ही नहीं बनाया। ये जरूर है कि पैसा नहीं था हॉकी के अंदर और हम लोग जितने भी हॉकी खेलते थे वो एक अपने इज्जत के लिए खेलते थे, अपने शौक के लिए खेलते थे, अपनी कंट्री के लिए खेलते थे। और कलर जो सबसे बड़ा जो वो होता था, कलर मिलना हिंदुस्तान का वो बहुत बड़ा माना जाता था। दादा की जादूगरी से इंस्पायर होकर उन दिनों कई हाथों ने हॉकी स्टिक थामी, जिनमें एक बच्चा भी था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ध्यानचंद की कहानियां सुनते हुए उनका झुकाव हॉकी की तरफ हुआ और यहीं से कहानी शुरू हुई जर्सी नंबर 11 की। ये कहानी है अर्जुन अवार्ड विनर पद्मश्री हॉकी प्लेयर जफर इकबाल की। साल 1980 में जब इंडियन हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, जफर उस टीम का एक अहम हिस्सा थे। उस जमाने में हम उनकी फोटो लेके चलते थे और अब एक चांस मिला कि अब उनके साथ खेलना पड़ा। असलम शेर खान एंड गोविंदा एंड बेसिकली अशोक कुमार बोथ वर इन इंडियन एयरलाइंस हॉकी टीम, यानी जहाँ मैं भी नौकरी करता था। शुरू में तो ऐसा लगता था कि हाथ पैर जैसे कांपने लगते हैं उनके साथ खेलना और उनकी इज्जत करना। जफर इकबाल की पहचान थी उनकी रफ्तार, जिसे उन्होंने हर मैच में बनाए रखा। उस जमाने में प्रैक्टिस बहुत होती थी, यानी अगर ग्राउंड के चक्कर लगाने तो 30-30 चक्कर लगते थे, 40-40 चक्कर है, सैंड ट्रेनिंग है। और फिर सेल्फ इंटरेस्ट, अगर आपको सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है किसी भी खेल में तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस खेल में, चाहे वो कोई सा भी खेल हो। यू हैव टू बी वेरी टफ मेंटली। हमारी यूनिवर्सिटी में जब प्रैक्टिस जैसे 4 बजे अगर गर्मी में हो रही है मई जून में, तो आई यूज़ टू गो एट 2:30 इन द आफ्टरनून। तो वो उससे पहले अगर आप 1 घंटा करेंगे ट्रिपलिंग और रेस बॉल को, एक होता है विदाउट बॉल आप भागें, एक होता बॉल के साथ भागना, तो बॉल के साथ भागना की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती। बिहार के एक छोटे से गांव में बचपन गुजारने वाले जफर इकबाल के लिए इस मुकाम तक पहुंचना शायद आसान नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से जफर का ये दौर था जब बच्चे गलियों में बैट नहीं बल्कि हॉकी स्टिक लेकर दौड़ा करते थे। कहानी यूं शुरू होती है कि मैं
बिहार के बिहार शरीफ एक जगह है, वो बरबीघा के करीब है। मैं वहाँ रहा 4-5 साल और उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब प्रोफेसर शहाबुद्दीन अहमद वो उस टाइम पे इंग्लैंड गए हुए थे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे उन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी। तो वो फिर शिफ्ट हो गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ज़्यादातर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉकी की ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी और खेला भी उस ज़माने में बहुत जाता था हॉकी। बिहार से अलीगढ़ आकर जफर ने अपनी पढ़ाई शुरू। वक्त बीतता गया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जफर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली, लेकिन हॉकी स्टिक का साथ कभी नहीं छोड़ा। इंटर यूनिवर्सिटी की नेशनल चैंपियनशिप में पहली ही साल उनका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हो गया। देश के टॉप 33 खिलाड़ियों की फहरिस्त में एक नाम जफर इकबाल का भी जुड़ गया। तो उस जमाने में सभी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, अशोक गोविंदा, असलम शेर खान, नॉल, ये सब हमारे कैंप के साथ था। मैं तो बहुत जूनियर था, वो लोग तो विश्व कप जीत के भी आए थे और उनके पास सिल्वर मेडल भी था विश्व कप का, और तो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयरों के साथ मैं यानी मेरी शुरुआत हुई और वो शुरुआत जारी रही। एक बार शुरुआत क्या हुई जफर की हॉकी स्टिक ने, फिर तो रुकने का नाम नहीं ली। जितनी रफ्तार उनके खेल में थी उतनी ही रफ्तार उनके करियर ने भी पकड़ ली। साल 1977 में उन्होंने अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। हिंदुस्तान में हॉलैंड की टीम आई थी, 1977 में मेरी शुरुआत हुई थी, तो उस टीम में मैं सेलेक्ट हुआ था। जो 16 की टीम बनी थी हिंदुस्तान की, तो उसके अंदर मैं लेफ्ट इन और लेफ्ट आउट के मुकाम पे पोजीशन पे मैं सेलेक्ट हुआ था। और फिर एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप और ओलंपिक गेम्स, तो वो शुरुआत जो है शुरू हुई 1977 से। और 1986 में जब हम फाइनल जो मैंने त्याग दिया था 1986 में इंटरनेशनल कॉम्पटिशन से, वो आफ्टर विनिंग द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान, सो वो हमारा एंड था। उनके हॉकी करियर को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, उन्हें टीम का कैप्टन बना दिया गया। एक ओर खेल की जिम्मेदारी तो दूसरी ओर पूरी टीम को जोड़कर रखने का जिम्मा। जफर ने इस दोहरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1982 के एशियन गेम्स और 83 की चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा वो साल 1984 के समर ओलंपिक्स में भी टीम की कप्तानी कर रहे थे। जो मेन खास बात है कप्तान की वो ये होती है कि वो टीम को कैसे जोड़ के रखता है। हिंदुस्तान के टीम के अंदर डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट रीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन सब, तो वो चीज़ जो है उसको एक एक कंबाइंड रखना, एक टीम को जुट होकर के रखना, तो वो एक एक बड़ा कर्तव्य है। आज भी ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, और कभी भी इस चीज़ का एहसास हम लोगों को मतलब हो नहीं दिया घर पे कि इस लेवल पे खेले या इस लेवल के प्लेयर हैं। तो इन जनरल ऑल्सो अभी भी ये होता है, हम लोग अगर मार्केट में हैं या कहीं पर भी जाते हैं और पीछे से कोई आके अगर पूछ भी लेता है कि आर यू जफर इकबाल, तो समटाइम्स ही सेज नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। तो ये नहीं है कि उस चीज़ को मतलब बताएं हाँ हाँ मैं हूँ या कुछ समथिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे पहले भी थे और अभी भी। जफर ने अपने 10 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई बेहतरीन और अहम मैच खेले। जीत हो या हार, गम हो या खुशी, इस खिलाड़ी ने हर मैच को पॉजिटिव नजरिए से देखा और आगे बढ़ते रहे। उनकी जिंदगी के 3 बेहतरीन मैच उन्हें आज भी याद हैं। तो समझता हूँ 1980 मॉस्को ओलंपिक गेम्स जब हमने फाइनल जीता था अगेंस्ट स्पेन, यूरोपियन चैंपियन, तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए मोमेंट था। फिर उसके बाद 1982 में हम लोग जब हारे थे पाकिस्तान से फाइनल, तो वो आई वी स्टिल रिमेम्बर दैट मैच एंड अनदर गुड मैच, नॉट द बैड मैच बट अ गुड मैच। वी वन दी लास्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी इन हॉलैंड इन 82 बिफोर प्लेइंग एशियन गेम। बहुत अच्छे मैचेस भी खेले और हारे भी हैं हम लोग, मगर ये ज़रूर था कि हमारी टीम के लड़के बहुत डिसिप्लिन थे और चाहते थे कि हिंदुस्तान जो है दुनिया के नंबर वन में पहुँचे, मगर वो तो हम लोग नहीं कर पाए। मगर ये ज़रूर था कि सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यू आर कमिंग इन दैट ब्रैकेट।
जफर को आज भी हॉकी के चहेते दो चीजों के लिए याद करते हैं, पहली उनकी रफ्तार और दूसरी एक यादगार मैच। साल 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के दौरान वेस्ट जर्मनी के खिलाफ उन्होंने एक गोल मिस कर दिया जिससे भारत सेमीफाइनल से बाहर हो गया। जफर आज भी वो मैच नहीं भूलते। हमारा बहुत क्रूशियल मैच था एंड ये था कि दोनों जर्मनी एंड इंडिया वर हैविंग द सेम पॉइंट और सेंटर फॉरवर्ड हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया था। राइट से मूवमेंट हुआ और वो बॉल मेरे दम सीने पे आ गई, उसको मारना ही था। देयर वाज नो चांस कि आई शुड स्टॉप द बॉल एंड देन हिट। इट वाज स्टक विद द पोल बहुत ज़्यादा, एक सेंटीमीटर या दो सेंटीमीटर अंदर होती तो अंदर हो जाते और 3 मिनट रह गए थे। इस मैच के बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। टीम के कप्तान होने के नाते भी उनकी जवाबदेही बढ़ गई थी। जफर खुले तौर पर मानते हैं कि उनके और उनके कुछ साथियों पर परफॉर्म करने का दबाव बढ़ जाता था। जब भी कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाना, आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप है या एशियन गेम्स है या कॉमनवेल्थ गेम्स है या ओलंपिक गेम्स है या और दूसरे टेस्ट सीरीज, खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ खेलना, तो एक और मुसीबत। ख़ास तौर पे मुसलमान प्लेयर्स जो होते थे हमारे टीम में, मोहम्मद शाहिद, मैं या जलालुद्दीन, तो बड़ा यानी हमें कठिनाई का सामना तो करना पड़ता था कि अगर हम इसके खिलाफ नहीं अच्छा खेलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो वो चीज़ें हम लोग के जहन में रहती थी और कोशिश यही करते थे कि भाई हम लोग वी शुड प्ले मच बेटर देन अदर्स। अपने 10 साल के करियर में जफर ने हर तरह का दौर देखा। असलम शेर, अशोक कुमार, गोविंदा जैसे बड़े खिलाड़ियों के अलावा उन्होंने कई हम उम्र खिलाड़ियों के साथ जिंदगी का हर रंग जिया। हमारे 10 साल के पीरियड में कुछ पुराने खिलाड़ी भी थे जिससे काफी दोस्ती थी मेरी, उसमें वीरेंद्र सिंह थे पंजाब के और 1975 वर्ल्ड कप के सदस्य भी थे टीम जब जीती थी हिंदुस्तान की। अपने साथी खिलाड़ियों से उन्हें कोई शिकवा नहीं, पर अपने समय के मैनेजमेंट से उन्हें काफी गिले हैं। वी नेवर प्लेड ऑन एस्ट्रोटर्फ, हमने कभी देखा ही नहीं तो खेलते क्या, और ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर एस्ट्रोटर्फ था उस टाइम पे। तो मगर इमेजिनेशन के ऐसा होता है, उसी टाइप की ग्राउंड बनाई गई, मगर जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो तो बिल्कुल अलग ग्राउंड थी। हम लोगों ने अपने आप को एडजस्ट करके फिर खेला। रिटायरमेंट के बाद सिलेक्शन कमेटी के साथ जुड़कर अब वो खिलाड़ियों की हर तरह की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। भले ही 1986 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया हो और फिर कुछ सालों के लिए भारतीय हॉकी कोच का पद भी संभाला, इस दौरान उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कई प्रयोग भी किए। तो 1992 के बाद भी जब टीम हमें दी गई तो विद द न्यू फेसेस, मोस्टली न्यू फेसेस थे टीम में। ये बार्सिलोना ओलंपिक गेम्स जब हुए थे तो उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैनी सीनियर प्लेयर्स जितने भी थे, धनराज पिल्ले, सुबैया एंड ऑल, दे वर डिस्कार्डेड फ्रॉम द टीम एंड फ्रेश टीम वॉज गिवन टू मी। तो उसमें हमने फिर इंडियन हॉकी फेडरेशन से यही कहा कि इसमें चलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि आपको यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स। बचपन में हॉकी के गोल्डन पीरियड से हॉकी के डाउनफॉल तक का सफर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उनके करियर के दौरान उसके बाद हॉकी की पॉपुलैरिटी देश में गिरती गई। खेल के गिरते स्तर की वजह भी वो काफी हद तक समझते हैं। जो डाउनफॉल हुआ है हमारा, वो चीज़ जो थी, अब हम लोग समझते रहे कि अब हम लोग तो वर्ल्ड चैम्पियन है या ओलंपिक चैम्पियंस है, तो इवन हारने के बाद भी हम लोग कभी सुधरने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। जब हम लोग 1968 ओलंपिक्स मैक्सिको में हम हारे तो वी थॉट के चलो वैसे ही हार गए, कोई बात नहीं, फिर जीत लेंगे। ब्रॉन्ज मेडल तो लाए हम लोग, मगर हमारे उस ज़माने में ब्रॉन्ज मेडल की वैल्यू नहीं थी। जैसे कि अगर आज ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक गेम्स में ला जाए तो एक तहलका मच जाता है। उस ज़माने में इंडियन हॉकी जब जीतती थी ब्रॉन्ज मेडल तो सब मुंह छुपा के भागते थे। साल 1975 में क्वालालंपुर मलेशिया में
हॉकी वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश का नाम हॉकी सुपरस्टार्स में शामिल हुआ, लेकिन 70 के दशक के अंतिम सालों में हॉकी अपना अस्तित्व होती जा रही थी और धीरे धीरे क्रिकेट ने बच्चों से लेकर बड़ों तक के दिलो दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया था। हॉकी के नेगेटिव कवरेज के अलावा इस खेल में पैसे का ना होना भी इसके डाउनफॉल की एक बड़ी वजह मानते हैं जफर। क्रिकेट और फुटबॉल प्लेयर्स की बढ़ती डिमांड और इन खेलों में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी की एक वजह इसमें मौजूद पैसा है, जो कि हॉकी में नदारद है। पैसा जो था बिल्कुल नहीं था, तो क्रिकेट ने तो बहुत देनी, पूरा एक जाल उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, मगर उसकी वजह से बहुत सारी खामियां भी हैं उन लोगों में, मगर हम लोग को तो पैसे ने भी काफ़ी डुबोया, इन द सेंस के जिन लोगों ने अपनी जाने या फैमिली ख़त्म कर दी हॉकी के खातिर, दे कुड नॉट गेट अ सिंगल पैनी आउट ऑफ इट। ये तो चाहे दादा ध्यानचंद साहब भी, जब उनकी डेथ हुई थी और एक टूर्नामेंट हुआ था तो 11,000 कुछ रुपया जमा हुआ था शेवाजी स्टेडियम, आई स्टिल रिमेम्बर। अपने पूरे सफर में जफर इकबाल ने हॉकी के गिरते स्तर को बड़ी बारीकी से देखा है। खेल से संन्यास लेने के बाद वो एयर इंडिया के मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं और फिर नेशनल हॉकी टीम के सिलेक्शन कमेटी के सदस्य रहे, लेकिन उनका मानना है कि बाकी खेलों में टैलेंट की कमी नहीं है, पर अब धीरे धीरे हॉकी में आने वाले टैलेंट में कमी आ रही है। लड़के जो हैं ज़्यादा खेलते हैं, क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, पैसा ज़्यादा है उसमें, ग्लैमर ज़्यादा है कि अब 5 दिन का टेस्ट तो 5 दिन कौन टीवी पे दिखाएगा, कोई ऐसा तो सीरियल है नहीं कि चलता रहे। अब तो एक दिन भी है, अब तो वन डे है, अब तो 2020 भी है, तो माहौल चेंज हो गया। सब लोग चाहते हैं, एक एक प्लेयर करोड़ों में बिक रहा है, तो भाई करोड़ तो एक बड़े बड़े प्रधानमंत्री को नहीं मिलता करोड़ रुपया। फिलहाल हॉकी स्टिक छोड़कर वो गोल्फ खेलने का शौक रखते हैं। घर में घुसते ही आपको हॉकी की बजाय गोल्फ में जीते अवार्ड्स का कोना जरूर दिख जाएगा। अर्ली मॉर्निंग ही गेट्स अप, जैसे आदत है शुरू से, और आई थिंक विदाउट प्लेइंग एनीथिंग वोंट बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो एक पैशन भी है स्पोर्ट्स, तो क्योंकि अब इस एज में हॉकी तो खेली जा नहीं सकती, तो ही प्लेज गोल्फ एंड ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग गोल्फ ओनली। जब ही वॉज वर्किंग विद एयर इंडिया तो टाइम कम मिलता था खेलने का, एंड ही इज वेटिंग कब मैं रिटायर होऊंगा एंड देन आई कैन स्पेंड टाइम प्लेइंग। सो दैट इज द पैशन एंड ही इज डूइंग गुड। शौक तो उन्हें घूमने का भी खूब है, पर हाल फिलहाल में हॉकी से जुड़ी हर खबर पर अपनी बारीक नजर रखते हैं। हॉकी टीम में उनके पसंदीदा प्लेयर्स के नाम भी जरा जान लीजिए। अपना सरदारा सिंह भी, आकाशदीप है, ये सब ये जो यंगस्टर्स हैं, आपके रघुनाथ इज ऑल्सो शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, और श्री जेश जो गोलकीपर हैं ही इज़ ऑल्सो ब्रिजेंदर है, यानी दो तीन तो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीम में एक दो चेंजेस अगर किया जाए और लेके जाए तो द टीम विल प्ले मच बेटर, वो कॉन्फिडेंस डेवलप है। अगर टीम हम लोग हार रही है 2-0 से एंड वी बाउंस बैक एंड वी वर विनिंग इन द सेम मैच बाय 5-3 या 2, वो बाद में बराबर हो गया, बट इट शोज के यू हैव एबिलिटी कि हम जीत जाएं। देश के लिए वो खेले और देश ने उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा। खेलों का सर्वोच्च सम्मान अर्जुन अवार्ड के अलावा वो साल 2012 में पद्मश्री के भी हकदार बने हैं। या मैं आई कंपनीड हिम जब उनको अर्जुन अवार्ड मिला था, दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर आवर मैरिज, तो दैट वाज द ईयर के हम वी वेंट टू दी टू राष्ट्रपति भवन गए थे हम लोग, तो अर्जुन अवार्ड था एंड दैट वाज अ ग्रेट ऑनर एट दैट टाइम। एंड देन सेकेंड मिला यश भारती अवार्ड जो यूपी गवर्नमेंट ने दिया था, तो तब भी मैं लखनऊ गई थी साथ में, एंड द थर्ड वॉज पद्मश्री एंड दैट वॉज recently when he was honored with that। जो अवार्ड मिला है वो मुझे थोड़ी मिला है, किस एक खेल पर्टिकुलर खेल को मिला है, यानी अगर मुझे मिलता है तो हॉकी को मिला है, हॉकी की वजह से आई एम नोन। खुद को मिलने वाले सम्मानों का श्रेय पूरी तरह अपने खेल को दिया और आज भी स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ जी रहे हैं। देश में बढ़ती स्पोर्ट्स स्पिरिट भी उन्हें खुश करती है, पर एक खिलाड़ी के पीछे छिपी मेहनत और लगन को वो पूरा सम्मान देते हैं, फिर चाहे वो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर हों या मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद।
जफर इकबाल किसी भी खेल से जुड़े खिलाड़ी का उतना ही सम्मान करते हैं। अल्लाह की वो देन होती कि आप पहुँचे वहाँ तक। ऐसे तो कोई प्लेयर बनता नहीं है, मेहनत करके ही बनता है। कोई भी ऐसा हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर बहुत मेहनत लोगों ने की है खेल के अंदर, जिससे कि उन्होंने अपना एक नाम रोशन किया है। अपने जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, ध्यानचंद साहब हैं, बड़े बड़े बलबीर सिंह साहब हैं, बहुत प्रैक्टिस करते थे 6-6 घंटे यानी एज ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते, बट विदाउट मनी। मनी वॉज नॉट देयर इन हॉकी फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। हॉकी से उनकी पहचान है और हॉकी के सम्मान से ही जुड़ा उनका सम्मान। देश के लिए खेलने वाले हॉकी के खिलाड़ी जफर इकबाल की थी ये कहानी।